हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं मेन टॉपिक रहेगा कि किस तरह इस वेबसाइट को हम एनिमेट करेंगे। बट उससे पहले आपने एक चीज़ नोट की होगी कि भाई जान, जो आपने पिछली दो वीडियोस के अंदर जो बनाया है ना, वो इसके साथ मैच नहीं कर रहा। तो मैच किसके साथ कर रहा है तो मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो के अंदर ना आपको कुछ रेफरेंसेस मैं शेयर कर देता हूँ। पहला रेफरेंस कि ये था पिछली वीडियो का कोड जिसके अंदर हमने कुछ ये बनाया था। ये है जी हमारा बिफोर, और तकरीबन मैंने थोड़ा बहुत चेंजिंग करके यहाँ पर आफ्टर, यानी कि ये है जी बिफोर और ये है जी आफ्टर। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि कौन सा बेहतर लग भी रहा है। मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि जब मैं ये बिल्ड कर रहा था ना, मुझे ऐसा फील हुआ यार इसके अंदर ना कुछ मज़े वाली चीज़ लग नहीं रही, ठीक है, यानी कि बोरिंग बोरिंग चीज़ लग रही है। मैंने कहा चलो ज़रा इसको इन्हेंस किया जाए, और करते साथ मेरे पास जो रिज़ल्ट निकला वो है जी ये। और यहाँ पे अगर देखें तो ये चीज़ हमारी इस तरह क्रिएट मैंने की, सेट है, ओके। अब दूसरा फैक्ट मैंने लगाया कि ये वाला कि पहली जो वीडियोस के अंदर हमने बनाया वो था इस तरह से इमेज, और इस अपडेटेड डिज़ाइन के अंदर जो मैंने किया वो है जी मेरा इस तरह के। इधर मैंने जो ग्लो इफेक्ट बनाया वो मैंने इमेज को इन्हेंस करके मज़ीद और उसको ज़्यादा इम्प्रूव करके मैंने कहा चलो ग्लो इफेक्ट लगा लो और ज़रा अच्छा भी लग रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर, अरे किधर गए, उसके बाद तीसरा डिफरेंस जो था बिफोर एंड आफ्टर के अंदर वो था इस इमेज के अंदर ये वाला ग्लो इफेक्ट, कि ये एक सॉलिड शो हो रहा था जिसको मैंने कर दिया स्मूथ, और अब जो रिज़ल्ट निकला है वो है जी कुछ ये वाला। तो कुछ ये थोड़ी बहुत चेंजिंग मैंने की थी वीडियो से हट के। तो इसके अंदर आपको परेशान होने की बात कोई नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एज एन इमेजेस मैंने अपडेट किए हैं यहाँ पर भी, और अगर ऊपर आओ तो यहाँ पर भी मैंने बस एक दो इमेजेस की हैं, ठीक है। और अब हमारा काम स्टार्ट आगे हो सकता है, जो कि इस वीडियो का कह लो कि क्या कहते हैं मकसद है, वो है जी एनिमेट करना कि किस तरह इसको एनिमेट किया जाए। बेसिक एनिमेशन होगी केक और विद दी हेल्प ऑफ जी सी आर। अगर आपने सी डी एन लिंक, क्योंकि ये जो जी सी आर है ये है जी जावास्क्रिप्ट की एनिमेशन लाइब्रेरी, और अभी हम बेसिक कोड स्ट्रक्चर पे हम काम कर रहे हैं ना, तो इस वजह से हमें सी डी एन लिंक की ज़रूरत होगी। तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको सी डी एन लिंक लगाना सिखा भी दिए थे, और हमने देख भी लिए थे किस तरह हम सी डी एन लिंक लगा सकते हैं, और लोकोमोटिव जी एस लाइब्रेरी का यूज़ करके हमें स्मूथ स्क्रॉलिंग भी इस वेबसाइट में लगा दी। तो अब इस वीडियो के अंदर हमने बस इस चीज़ को एनिमेट करना है, और अगली लास्ट वीडियो के अंदर हम इस चीज़ को मोबाइल रिस्पॉन्सिव करेंगे, ताकि मोबाइल पे भी अगर कोई यूज़र या आप लोग देखो या मैं देखूँ तो ईजीली अच्छा नज़र आना चाहिए। तो वीडियो को करते हैं जी शुरू, और स्टार्ट करते हैं कि किस तरह इसको किया जाए एनिमेट। तो जी ये है जी मेरा कोड जो कि मैंने लिखा, और ये लिखते साथ कुछ ये रिज़ल्ट हमारा निकला। और अब हम जाएंगे जी जनाब जी, ये मैं कर देता हूँ सब कुछ बंद, इसकी ज़रूरत अब नहीं है। मैं जाऊँगा जी स्क्रिप्ट डॉट जी एस के अंदर, और इसको इग्नोर करके यहाँ पर अब हम अपना जी सैप का कोड लिखेंगे। तो जी सैप का कोड लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई बंदा पहली बार इस वेबसाइट पर आए उसको क्या नज़र आए, उसको कुछ भी ना नज़र आए। ये जो नेबर है ये ऊपर से नीचे आती हुई, इसे पहली काम हमें नज़र आना चाहिए कि ये जो नेबर है इसको हम इसकी जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है इसको मैं रखता हूँ सबसे ऊपर, यानी कि हिडन रखूँगा। और जब कोई बंदा इधर आएगा वेबसाइट पे तो क्या होगा कि ये जो नेबर है ये आ जाएगी नीचे, और इस पोजिशन पर एग्जैक्ट हमारे पास कम्प्लीट हो जाएगी, ठीक है जी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपनी जाएंगे CSS के अंदर, और डिफ़ॉल्ट पोजीशन को छेड़ने के लिए हमें यहाँ पर इसको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे आप देखो ना तो यहाँ पे है जी पोजीशन रिलेटिव सेट है,
तो मैं पोजीशन एलिटी का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर टॉप से माइनस अगर 100 पिक्सल करता हूँ तो देखते हैं वेबसाइट नेबर कितने जाती है। तो ये मैं ये इमेजिन करके चल रहा हूँ जबकि हो भी किया है कि जो मेरी नेबर है वो -10 पिक्सल ऊपर चली गई है, ठीक है। और अब मुझे जी साहब की हेल्प से मुझे इस ऊपर गई हुई नेबर को नीचे लाना है, बस सिंपल एक ये छोटा सा एक टास्क हमने परफॉर्म करना है। तो जी साहब का कोड लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि सबसे पहले जी साहब, जी साहब लिखते साथ आपको लिखना है डॉट, क्योंकि जी साहब एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी का नाम है जी डॉट टू। डॉट टू क्या करेगा, जो कि हमारी ये जो डिफॉल्ट पोजीशन चली गई ना -100 पिक्सल, ये क्या करेगा -100 से आगे जहाँ पे हमने लाना चाहते हैं ना अपनी नेबर को वहाँ पे ये लेकर आ जाएगा। तो जी सेफ डॉट टू आगे पैरेंथेसिस के अंदर उसको बताना पड़ेगा कि किस चीज़ को हमने मूव या एनिमेट करना है। तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर नेप को टारगेट करके यहाँ पे कोमा और कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अंदर मैं उसको बता दूंगा कि भैया वायर्स है ना तुम ले आओ, कितना हम लेके गए हैं मैं देख लूँ। तो -100 पिक्सल हम टॉप से लेके गए हैं, तो वायर से हम वापस 100 पिक्सल अगर लेकर आ जाए। अब ये देखो इस तरह ये एरर शो करेगा, तो इसको इस तरह ना लिख कर ना मैं इसको डबल कोट्स के अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है। और देखी जाए तो अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये फौरी तौर पर एनिमेट होगा। तो ये मैं किया रिफ्रेश तो ये हुआ फौरी तौर पे एनिमेट, यानी कि हमारी जी सैप एनिमेशन जो है चल रही है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्लो करने के लिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन में लगा दूँ कितनी 0.5 सेकेंड की, देखते हैं। तो इस तरह से ये वेबसाइट अगर कोई बंदा आएगा तो उसको ये नेबर इस तरह से शो होगी, सेट है। मैं ये स्मूथ बहुत कर देता हूँ और ये चीज़ इस तरह आ जाएगी, या 1.5 सेकेंड की ड्यूरेशन के साथ ये वेबसाइट इस तरह आ गई, और जो कि अच्छा भी लग रहा है। तो पहला टास्क हमारा कंप्लीट कि हमने नेबर को एनिमेट कर लिया। अब बारी है जी इस टेक्स्ट की, इस टेक्स्ट को हम एक अनोखे तरीके से एनिमेट करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब कोई बंदा इस वेबसाइट पे आए ना तो ये नाइट यानी कि ये वाला जो टेक्स्ट है ये नीचे कहीं से हिडन होता हुआ ऊपर इस तरह शो हो। तो उस तरह का इफेक्ट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को यहाँ से कट करके मैं एक डिव ले रहा हूँ, ठीक है, और उसके अंदर यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब डिव लिया और उसके अंदर लिखा तो कुछ इस तरह से ये चीज़ आई। तो परेशान बिल्कुल हमने नहीं होना, हमने क्या करना है कि हमने इसके हीरो बॉक्स डिव और उसके अंदर H2। तो हमें क्या करना है, अभी जो हमने डिव बनाई ना ताज़ी ताज़ी, इसको एक क्लास दे देनी है। क्लास में क्या दूँ, इसको मैं देता हूँ जी क्या दूँ, H2 ही क्लास दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं आपको अब जादू दिखाने लगा। जादू क्या होगा वो देखना कि भाई यहाँ इसके अंदर ना डॉट सॉरी H2 है, ठीक है, उसको एक विड्थ दे दो कितनी 20% और हाइट दे दो 20 या 50 पिक्सल। अगर मैं बैकग्राउंड ब्लैक कर दूँ तो कुछ आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये चीज़ बनी है। अगर मैं इसकी हाइट विड्थ वगैरह सेट करके अब एक काम करता हूँ कि जो हीरो बॉक्स डिव है ना इसका मैं एक दफ़ा मैं ना बैकग्राउंड देख लूँ, सॉरी बैकग्राउंड कलर ये वाला। तो जो मेरी मेन डिव है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स पड़े हैं वो है जी ये ब्लू वाली, और उसके अंदर मैं ये लगा रहा हूँ जी ये ब्लैक वाली, ठीक है, ओके। तो मुझे भाई यही देखना था, तो इसको और एक बंद हो जा भाई क्या कर रहा है। अच्छा यहाँ पर करते साथ मुझे अब करना क्या है, मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं ना इसकी विड्थ बढ़ा के ना 100% कर रहा हूँ ताकि इस तरह आ जाए। उसके बाद इसको कर रहा हूँ पोजिशन एब्सोल्यूट सेट है, इसको लेफ्ट से मैं कर रहा हूँ 0% और इसको कर रहा हूँ टॉप से भी 0%। इस तरह करते साथ मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करूँगा और जो इसके अंदर लिखी यानी कि कंटेंट है उसको मैं सेंटर करने के लिए सिर्फ ये प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर।
अलाइन आइटम सेंटर क्या करेगा, ये वर्टिकल सेंटर करेगा, और जस्टिफाई सेंटर क्या करेगा, ये हॉरिजॉन्टल सेंटर करेगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इस जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को मैं कर रहा हूँ ख़त्म, और मेरा ये चीज़ इस तरह आ गई। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है ये आई गेस यहाँ पर, ठीक है। तो अब मुझे क्या करेंगे हम, यहाँ पर मैं ना इस चीज़ को कर रहा हूँ जी भाई, अरे ट्रांसपेरेंट, ताकि ये नज़र ना आए। सेकंड मैं काम करूँगा क्या, सेकंड काम करूँगा कि इस चीज़ को भी मैं क्या नाम है इसको भी यही इफेक्ट दूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस चीज़ को कट करके डिव डॉट एच वन नाम की मैंने एक क्लास ली, और उसके अंदर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। जैसे पेस्ट किया तो ये चीज़ इस तरह से आ गई, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा कि कुछ इस तरह, और डॉट एच वन विड्थ जो है 100%, ठीक है। और बैकग्राउंड अगर मैं देख लूँ ये वाला, तो बैकग्राउंड तो एकदम सही है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट, रिलेटिव नहीं, पोजीशन एब्सोल्यूट लेफ्ट से मुझे 0 कर देना है, और टॉप से मुझे 20% आई गेस करना चाहिए, लाइक 15, या 10%, 12 आई गेस मुझे सही लग रहा है। तो जो हमें इफेक्ट चाहिए था वो अभी हमने उसका बेस स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। अब बस मुझे करना क्या है, मैं अब आपको मज़े की चीज़ दिखाने लगा। मज़े की चीज़ क्या है कि ये जो है ना, क्या नाम है, H2, इसके ऊपर मैं मार्जिन टॉप दे के ना इसको कर रहा हूँ जी कितना, 80 पिक्सल्स। और अगर मैं इसकी आपको डिव दिखा दूँ, ये है जी डिव, और ये है जी मेरा टेक्स्ट, ठीक है। और अब मैं इस टेक इस डिफ से बाहर जाने वाले हर चीज़ को मैं कर रहा हूँ ओवरफ्लो हिडन, और वो चीज़ हिडन हो जाएगी, ठीक है। और इस चीज़ को अब हम ख़त्म कर दें। अब जब भी कोई बंदा इस वेबसाइट पे आएगा, तो वो जो टैक्स नीचे गया है ना, उसका जो मार्जिन टॉप है वो मैं कर रहा हूँ जी 0 पे। तो कुछ ये चीज़ हमने बनानी है। मैं फटाफट से आऊँगा, यहाँ पर लिखूँगा gsap.to, और डबल कोर्स के अंदर मुझे इस डिव को सिलेक्ट कर लेना है। और इस डिव को सिलेक्ट करते साथ मैं करूँगा क्या, इसको बल्कि मार्जिन टॉप ना दे के ना मैं इसको कर रहा हूँ जी पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, और टॉप से 30% कर रहा हूँ, 80 100 100% किया। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वाई से इसको कर दूँगा 0% करना चाहिए, तो डबल कोट्स के अंदर 0%, अरे 5 नहीं है, 0%। और ड्यूरेशन इसकी करनी चाहिए मुझे कितनी, ड्यूरेशन इसकी करनी चाहिए 1 सेकेंड, तो आई गेस हो जाना चाहिए था। तो अगर ये 100 गया है तो मुझे -100 लाना चाहिए, ऐसे ही होगा, हाँ। तो ये -100 इस तरह से मेरी ये चीज़ आ गई। और अब मैं अगर ये ट्रांसपेरेंट करके अगर मैं कर देता हूँ ब्लू, तो ये चीज़ इस तरह आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं 150 कर दूँ, जो कि बहुत ऊपर चल जाएगा, ठीक है, और 120 कर दूँ अगर, हाँ अब सही लग रहा है क्योंकि सेंटर में आ गया। तो इसको मैं कर रहा हूँ जी ट्रांसपेरेंट। अब क्या होगा जी इफेक्ट, कुछ अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आपको समझ लग गई होगी कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। और इस चीज़ को मैं और स्मूथ करने के लिए 1.5 सेकेंड कर रहा हूँ, ठीक है। और यही सेम इफेक्ट इसके साथ करने के लिए मैं क्या करूँगा, सेम पैटर्न का यूज़ करते हुए पोजिशन एब्सोल्यूट और ये वगैरह करके इधर मैं अप्लाई कर दूंगा। और जैसे अप्लाई करूंगा तो इसका जो ओवरफ्लो है वो मैं कर दूंगा हिडन, और यहाँ पर इस चीज़ को कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट, और H1 H1 कर दूंगा अगर,
तो देन मेरा ये चीज़ इस तरह आ जाएगी, जो कि बहुत ऊपर चली गई है, तो -100 पे रहे तो सेट है। ओके, तो आई होप आपको ये एनिमेशन अच्छी लगी होगी, और अगर ये अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो कि भाई हमें अच्छी लगी है कि ये हल्की फुल्की सी एनिमेशन। तो ये चीज़ हमने क्रिएट की, अब बारी है जी इस इन बटन्स की। तो इन बटन्स को मैं चाह रहा हूँ कि ये जो नीचे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, किधर है जी, मैं एक दफ़ा HTML में देखूँ, डिफ के अंदर है जी बटन ए और ए। ओके, तो इसको मैंने nth चाइल्ड के थ्रू सेट किया हुआ है, कोई मसला नहीं है। इसको मैं कर रहा हूँ जी 18%, देखते हैं कहाँ पे आएगा बटन। 18 बहुत कम है, 12 कर दूँ अगर, या 10 कर दूँ, ठीक है। और इसकी ओपेसिटी, 0% कर दूँ। अब यही दोनों प्रॉपर्टी मैं कॉपी करके इधर पेस्ट करूँ, और अब यहाँ पे GSAP की हेल्प से GSAP.2 और पैंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में मुझे पहले ये एलिमेंट सेलेक्ट कर लेना है, ये वाला कॉपी किया, पेस्ट किया, और कोमा लगा के ब्रैकेट्स के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे इसको वाई से मूव करवा देना है। कितना वाई से मैं कर देता हूँ जी -23%, नहीं अगर वो 15 है तो -15% या 23% कर देते हैं। दूसरा काम मुझे करना है ओपेसिटी के साथ, तो सिंपल ओपेसिटी लिखी और 1 कर दी, और ये काम होना चाहिए तकरीबन आई गेस 1.5 सेकेंड के अंदर, तो देखते हैं। ओके, जो कि बहुत लेट है, 0.5 सेकेंड बहुत एनफ टाइम है, ठीक है। इसको ना मैं और नीचे से ले आता हूँ, मतलब इसको 0 से कर लेते हैं, ये लो 0 से करके इसको मैं कर रहा हूँ जी 50, 100, ठीक है, या 120 किए, तो कुछ ये बटन इस तरह से आया। और अगर ये बटन इस तरह से आया है बॉटम 0 करके, ठीक है, तो मैं इस चीज़ को अगर कॉपी करूं और यहाँ पे 4 कर दूँ, तो देन मेरा ये काम इस तरह से हो जाएगा, जो कि अच्छा भी लगेगा। ऑल राइट, ठीक है, सेट है, हाँ बेहतरीन, वेरी नाइस। अब ओके, अब आ जाओ जी नीचे। नीचे आते साथ यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये जो डिव है ना, कंप्लीट डिव, इस पे ओपेसिटी को कर देना है। ये जो आइकन्स वाली डिव है ना, जिसके अंदर मेरे सारे आइकन्स हैं और ये वो कंटेंट है, ठीक है, और ये चीज़ है। अभी के लिए जिसको एनिमेट करना है उसे भी अभी फोकस करो, तो अभी हमने करना है इस चीज़ को एनिमेट। तो इस चीज़ को एनिमेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, आइकन्स वाली डिव के अंदर ये इसको अब चेंज करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे, यहाँ पर ना मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी ओपेसिटी 0 से 1 हो जाए, तो सिंपल है, कोई मसले वाली बात नहीं है। style.css में आए, section 1 के अंदर आइकन्स, इसको तुमने कर देना है जी ओपेसिटी 0%, जो कि ओपेसिटी 0 हो जाएगी। और एक काम करता हूँ, इस चीज़ को ना कट करके एक फंक्शन बना लेते हैं, और यहाँ पे लिख देता है जी हीरो बॉक्स एनिमेशन, और हीरो बॉक्स एनिमेशन करके इधर वो जो कोड कॉपी किया वो सारा पेस्ट करके यहाँ पर इसको कॉल कर देते हैं, ताकि ये एनिमेशन चले। अब जब ये काम हो जाए तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि मेरा जो कोड इतना ज़्यादा है वो ज़रा कोलैप्स
वाली फॉर्म के अंदर आ गया और तो कम कोड नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर ना मुझे बस करना कुछ नहीं, gsf.2 और gsf.2 करके इस क्लास को कॉपी करना है और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर पेस्ट कर देना है और कोमा लगाना है और फिर लिखना है ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स लगा के मुझे ओपेसिटी कर देनी है जी 1 और ड्यूरेशन कर देनी है जी 1 और बस अभी ये इफेक्ट क्रिएट हुआ। बट अगर मैं वेबसाइट पे आता हूँ पहली बार तो ये तो एनिमेट हो चुका है, बट मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इधर पहुँचूँ तो देन ये एनिमेट हो, तो उसके लिए काम में आएगा हमारा स्क्रॉल ट्रिगर प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे कोमा लगा के यहाँ पे लिख रहा हूँ जी स्क्रॉल ट्रिगर, और ये एक ऑब्जेक्ट होगा और इस ऑब्जेक्ट के अंदर पहली प्रॉपर्टी का नाम होगा कि भैया उसको बताना कि तुमने ट्रिगर किसको करना है। तो ट्रिगर हमने करना है जी इसको जिसको हम एनिमेट कर रहे हैं, उसके बाद मुझे उसको बताना है कि जो ट्रिगर ठीक है इसको करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं देख लेता हूँ क्या मेरा काम सेट है, तो मैं यहाँ पे मार्कर्स को कर रहा हूँ ट्रू। ये मार्कर्स के अभी आपको पता लग जाएगा, ये चीज़ एक ये और एक ये रेड वाला और ये ग्रीन वाला, अगर आपको कुछ नज़र आ रहा है तो ये है जी मार्कर्स। तो अब मैं चाहता हूँ क्योंकि ये मार्कर एक साथ, यानी कि जो ये स्क्रोलर एंड वाला ये है जी मेरी विंडो के इनर विड्थ के सबसे टॉप पे और ये ग्रीन वाला सबसे बॉटम पे, तो मैं ऐसा चाहता नहीं। तो इसको मूव करवाने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी है जी स्टार्ट, स्टार्ट क्या करेगा इस स्टार्ट पोजीशन को वो सेट करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट पोजीशन के अंदर दो वैल्यूज होंगी, पहली वैल्यू होगी कि जो एलिमेंट हम ट्रिगर करा रहे हैं वो कहाँ पे हो, तो मैं चाह रहा हूँ वो हमेशा टॉप पे हो। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी का नाम है, यानी कि दूसरी जो वैल्यू वो स्पेसिफाई करेगी कब हम वहाँ पे पहुँचें और एनिमेशन स्टार्ट हो। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि भैया ये जो स्टार्ट वाली है ना ये विंडो के हो जाए 70%, तो सी ये वाली पोजीशन आ गई, और ये जो एंड वाली पोजीशन है ठीक है, तो एंड के लिए सिंपल मैं चाहता हूँ कि वो बॉटम पे रहे बॉटम, और ये रहे कितनी रहे 40% कर दें, तो ये चीज़ इस तरह आ गई। अब मैं जब नीचे आऊँगा तो इस तरह ये चीज़ एनिमेट होगी सेट है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पर एक मज़े की चीज़ बताऊँ, मज़े की चीज़ है जी जब मैं यहाँ पर एक दफ़ा आ जाऊँ तो ये तो एनिमेट हो रहा है, वेरी नाइस। अब करना क्या है कि जब मैं इधर लीव कर दूँ और दोबारा एंटर करूँ तो ये चीज़ दोबारा एनिमेट होनी चाहिए, और वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो रही। तो उसके लिए अब हम यूज़ करेंगे जी टॉगल एक्शंस का, तो यहाँ पर लिखेंगे टॉगल एक्शंस, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू होती है जी प्ले, दूसरी वैल्यू होती है जी सॉरी प्ले पॉज नन नन। मैं आपको बता देता हूँ ये मैं करके रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैंने किया क्या, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जी टॉगल एक्शन, ये क्या करेगी ये हमें बताएगी कि भाई जब हम इधर टॉगल करें देन कब और कैसे एनिमेशन परफॉर्म हो। मिसाल के तौर पे ये जो पहली वैल्यू है ये होती है कि जब हम इस पर एंटर करें, तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो वैल्यू है ना ये होती है जी डॉग में कमेंट कर लूँ, ओके। तो पहली वैल्यू को होती है जी जब हम इस पर एंटर करें, ठीक है, और ये वाली वैल्यू क्या करती है दूसरी वैल्यू ये करती है जब हम इस पर लीव करें, यानी कि जब ये वाली रेड वाली प्रॉपर्टी इसके साथ टच करें, ठीक है। फिर मैं ज़रा स्पेस देकर यहाँ पर इधर, अब ये क्या होता है जब हम इधर ऑन सॉरी हाँ ऑन एंटर बैक
करें। और ये वाली प्रॉपर्टी सिंपल होती है जब हम दोबारा लीव करें। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि पहली वैल्यू क्या होगी। पहली वैल्यू होगी कि सबसे पहले जब हम इधर एनिमेशन को ट्रिगर करें, जब ये स्क्रॉलर स्टार्ट और ये स्टार्ट आपस में हिट करें, देन एनिमेशन प्ले होनी चाहिए, सेट है। और दूसरी वैल्यू कब आएगी, जब ये स्क्रॉलर एंड और ये वाला एंड पहली मर्तबा एक दूसरे को ट्रिगर करें यानी कि टच करें, तो ये हो जाएगी दूसरी वैल्यू। ओके, अब मैं जब दोबारा ये करूँगा क्लिक, ये अब हुआ ट्रिगर, ठीक है। पहली वैल्यू मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहला है कि प्ले, जब ये पहली दफ़ा ये हिट किया देन प्ले हुआ। अब ये मैं कर रहा हूँ लीव, ये हो गया लीव। अब मैं कर रहा हूँ दोबारा एंटर, कैसे, ये एंटर किया और ये किया मैंने लीव। ओके, तो अब सिंपल आपको समझ आ गया होगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं पहली दफ़ा एंटर करूँ एनिमेशन तब चले, और जब मैं दोबारा एंटर करूँ, मिसाल के तौर पर दोबारा लीव करके एंटर करूँ, देन मेरी एनिमेशन दोबारा चले। तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, सिंपल है, कुछ भी नहीं आपने करना। यहाँ पे नन, सॉरी नन नन। ओके, तो पहली वैल्यू है जी प्ले, कि जब मैं एनिमेशन यानी कि पहली मरतबा एंटर करूँगा तो एनिमेशन प्ले होगी। ऑन ऑन लीव पे मुझे कुछ भी नहीं करना, ऑन एंटर बैक पे भी कुछ नहीं करना, मुझे ऑन लीव बैक पे करना है जी रीस्टार्ट, सिंपल। तो देखते हैं, ये प्ले किया और हुआ क्यों नहीं, ये हो गया प्ले। या रीसेट होगा आई गेस, रीसेट। ओके, तो जब मैं एंटर करूँगा देन ये मेरी एनिमेशन रन होगी, और जब लीव करूँगा एनिमेशन वहीं पे रहेगी, ठीक है। और जब मैं दोबारा एंटर करूँगा कुछ भी नहीं होगा, और जब मैं वापस करूँगा देन भी कुछ नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि टॉगल एक्शन आई गेस स्क्रॉल ट्रिगर के अंदर लिखना है ना, देन काम करेगा। देखते हैं, ऑन एंटर एंड ओनली बैक एंड ऑन, क्यों नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ पे काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर मैंने टॉगल एक्शन लिख दिया है, जबकि टॉगल एक्शन नहीं है, टॉगल एक्शंस हैं। और फिर आप अगर देखें तो आप देखते हैं ये किया और ओनली पे रीसेट हुआ, और अगर मैं दोबारा करूँ तो सीट आपको ये होता हुआ नज़र आएगा। फिर जैसे मैं दोबारा लीव करूँगा देखना ये चीज़ दोबारा ज़ीरो पे आ जाएगी ये, ठीक है। तो ये मैं चाह रहा था, और आई होप यहाँ पर अगर मैं कर दूँ रीस्टार्ट, ये प्ले किया और ठीक है, मुझे रीसेट करना पड़ेगा। तो ये किया प्ले और ओनली पे रीसेट हो गया, और फिर इस तरह ये चीज़ चलती रहेगी जब तक मैं इसको चलाऊंगा। तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है मार्केट्स की, और ये चीज़ मिलगी इस तरह आगे। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब जी जनाब जी ये चीज़ें इस चीज़ को अब स्टाइल करेंगे। इसको मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको सेम यही इफेक्ट दे दूँ, है ना, लेकिन या एक और काम किया जा सकता है इसके साथ। इसके साथ क्या काम किया जाए, आइकन्स का काम हो गया। अब आओ सेक्शन वन, इसके अंदर इसको अब यहाँ पर सेक्शन वन मेन कंटेंट एज टू आई गेस ये है, हाँ जी एज टू है जी। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ ओपेसिटी इसकी कर दो 0% और बस। बल्कि काम करते हैं पैसे ज़ीरो करके जो ट्रांसफॉर्म स्केल प्रॉपर्टी है ना इसको ज़ीरो कर रहा हूँ, और जीसेप में आने के बाद इधर जीसेप दो टू, और यहाँ पर वो क्लास जो मैंने यहाँ से सीएसएस से कॉपी की वो मैंने की यहाँ पे पेस्ट।
अच्छा तो यहाँ पे मैंने वो क्लास की पेस्ट, उसके बाद मैंने लगाया कॉमा और ब्रैकेट्स के अंदर। यहाँ पे मुझे अब क्या करना है, मुझे सिंपल कुछ भी नहीं, यहाँ पे ओपेसिटी जो है उसको वन कर देना है, स्केल उसको भी वन कर देना है, और ये ड्यूरेशन 1 सेकेंड, तो इस तरह ये चीज़ क्रिएट होगी। और एकदम फारिक लग रहा है ये, तो इसको मैं कर रहा हूँ ख़त्म। तो सिर्फ ओपेसिटी के साइज़ का खेल खेलेंगे। ओके तो इसको भी स्क्रॉलिंग बेस पे करेंगे, करने के लिए यहाँ पे मैं लगाऊंगा स्क्रॉल ट्रिगर विच इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रिगर इसको करना है सिर्फ इस चीज़ को स्पेसिफिक, और जैसे ये हो जाए और फिर मेरी ये चीज़ करेगी क्लियर। ये किया, यहाँ पर आए और ये चीज़ करेगी। लेकिन 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 अगर मार्कर इसके ट्रू कर दूँ तो ये चीज़ इस तरह आ जाएगी। ठीक है, और अब स्टार्ट को खुद सेट कर देते हैं कि ये एलिमेंट का टॉप, और जो जहाँ से एनिमेशन स्टार्ट होगी वो होगी 70%। बल्कि एक काम करते हैं, यही चीज़ कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, ठीक है, और ये चीज़ इस तरह क्रिएट होगी जो कि अच्छा भी लग रहा है। और टॉगल एक्शंस आई गेस मुझे इधर भी लगा देना चाहिए। नाइस, वेरी नाइस इफेक्ट यार, बहुत कूल, नाइस, बहुत आला। ये किया और वापस आया। अब इस चीज़ को करने के लिए यहाँ पर भी यही अगर मैं कर दूँ तो सही रहेगा। तो ओपेसिटी इसकी भी 0%, इसकी भी 0%, और इस चीज़ को कॉपी करके यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, और H1 और P, ये आ जाएगा H2 के लिए, ये आ जाएगा H1 के लिए, और ये आ जाएगा मेरे P टैग के लिए। तो मेरी एनिमेशन बहुत नाइसली क्लिक इस तरह से आ गई, वेरी नाइस। ओके अब क्या करना है, अब चीज़ है जी इसकी बारी कि ये चीज़ किस तरह की जाए। तो एक काम करते हैं कि इस चीज़ को ना बनाने के लिए मैं सेम इफेक्ट करने लगा हूँ, ये वाला करूँगा क्या, यहाँ पर सबसे पहले जो इमेज है ना उसकी ओपेसिटी को पहले कंट्रोल करेंगे, ठीक, उसके बाद बात करेंगे आगे क्या करना है। तो ऑन स्क्रॉलिंग मैं इस इमेज की ओपेसिटी को 1 करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये रहेगी 0। तो मुझे आ जाना है सब इन्फो सेक्शन 1 रो बॉक्स 1 आइकन और इमेज सेट है, इसकी ओपेसिटी को बाय डिफॉल्ट कर देना है 0%, जो कि सारी इमेजेस को 0 कर देगी। और फिर करना कुछ भी नहीं है, हमने यहाँ पर लिख देना है gsap.2, और यहाँ पर ये करके ब्रैकेट्स के अंदर, और ओपेसिटी कर देना है 1, ड्यूरेशन कर देना है 1, और ऑन स्क्रॉलिंग तो मैं गैस ये सारा काम कॉपी करके पेस्ट, और यहाँ से ये चीज़ कॉपी करके ट्रिगर इस चीज़ को कर देंगे, तो ये चीज़ इस तरह आ जाएगी जो कि सही भी लग रहा है एक। ओके नाइस, अच्छा भी लग रहा है यार, ठीक है। और अब ये जो हमारा है ना H2, इसको करेंगे क्या, यहाँ पे कट करेंगे, डिव लेंगे, डॉट बॉक्स 1 H2, ये क्लास दी और इसके अंदर मैंने ये लगा दिया। और अब असल काम शुरू होने वाला है, और वो है जी ये जो बॉक्स 1 का जो H2 है ना, इस चीज़ को बस अब सही तरह से एनिमेट करना है। कैसे करेंगे, अब यहाँ पर आओ, एशू है,
अब एशू इसके अंदर नहीं है, एशू है जी मेरा इस नाम की डिफ के अंदर। तो यहाँ पर अगर मैं एक विड्थ दे दूँ 100% और बैकग्राउंड रेड दे देते हैं ताकि सही से नज़र आ पाए, जो कि नहीं आया। बॉक्स वन के अंदर होना तो चाहिए था लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाया, तो इसका क्या हल है? इधर अगर मैं ले लूँ हेडिंग, हेडिंग टेक्स्ट, देन कुछ होगा? कुछ भी नहीं हुआ, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो अगर यहाँ पर ये और हाइट नहीं दी, हाइट 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 50 पिक्सल भी दो ना। हाँ अब सही है। अब यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन सेंटर और बस। अब जी मैंने किया किसको है यार, किया है जी मैंने इस तरह, और ये चीज़ कर रहा हूँ फिनिश। टाटा बाय बाय, सी यू सून। और अब यहाँ पर करूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 0 और इसको कर रहा हूँ 80% या 60%। और लेफ्ट से मैं कितना करूँगा, लेफ्ट से मुझे करना चाहिए 25%। ओके, और हाइट 40 पिक्सल बहुत है, और एक सेट है। और ओके सही है। और ये जो ये वाली कह लो कि अगर मैं इसका ट्रांसपेरेंट कर दूँ, ठीक है, अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो मुझे ये जो पी टैग है ना इसको टॉप से 18 करना पड़ेगा, यहाँ 20 कर दें जो कि अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। और ये जो हेडिंग टेक्स्ट के अंदर H2 है ना, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे के टॉप से मैंने 50% कर देना है, और इसका ओवरफ्लो हिटन कर देना है डिफ का, ठीक है। और डिफ का इस तरह करके इसको 100 अगर कर दूँ तो ये इमेज के यानी कि वो जो इसकी मेन डिव है उसके 100% नीचे चला गया। जब ये 100% चला जाए देन इस चीज़ को कॉपी करो और gsap यानी कि gs फाइल के अंदर आओ, यहाँ पर लिखो gsap.2 और क्लास वो कॉपी ब्रैकेट्स के अंदर y माइनस सॉरी डबल कोट्स के अंदर माइनस 100%। ड्यूरेशन इसको लगे 1 सेकेंड ऑन स्क्रॉलिंग भी हाफ, ये चीज़ इस तरह काम करे तो ये चीज़ इधर आ जाएगी। ओके, और जब ये चीज़ आए देन मुझे ये चीज़ को अभी कुछ भी नहीं करना, अब आना है पी टैग के अंदर। ओपेसिटी 0 कर दो बस। जब ओपेसिटी 0 हुई इस चीज़ को कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट करो और यहाँ से कॉपी करके इधर इधर पेस्ट कर दो, और इसको ये ख़त्म करके 1 कर दो और वाई ना करके यहाँ पे लिख दो ओपेसिटी। ओके, तो ये करते था। अब देख रहे हो कि यहाँ पर ना ये चीज़ें ख़राब हो गई। तो ये क्यों ख़राब हुई हैं, वो इस वजह से क्योंकि हमने ये डिव यानी कि इसको एक डिव के अंदर रैप नहीं किया। तो डिव डॉट हेडिंग टेक्स्ट और यहाँ पर किया पेस्ट, जबकि ये सेम ही है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इधर वो चीज़ें करके इसको कर रहा हूँ भी बंद, और यहाँ पर भी एक काम करता हूँ इधर इधर और इधर रिप्लेस कर दिया इस चीज़ से।
इसको ज़रा थोड़ा बहुत सेट कर लेते हैं, ये लो। ओके, जो कि अच्छा भी लग रहा है, वेरी नाइस कूल। अब है जी हमारा ये थोड़ा बहुत, इसके लिए सिंपल कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ये जो चीज़ है जी इसको अब स्टाइल कर लेना है। तो ये मैं देख लूँ ये कौन सा सेक्शन था, ये था सेक्शन वन। तो मैं एक काम करता हूँ, इस सारे एनिमेशन को कट करके फंक्शन सेक्शन वन एनिमेशन और यहाँ पर पेस्ट, ऊपर गए इसको किया कोलैप्स, कॉपी किया और यहाँ पे किया कोर। ये लो जी हमारा ये चीज़ क्रिएट। अब आ जाओ जी हमारी तीसरी सेक्शन के बारे, जो क्या है जी, ये इधर मैं क्या करूँगा, इधर 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 कुछ भी नहीं, इस चीज़ को मैं कर रहा हूँ राइट पे बाय डिफॉल्ट। तो फटाफट से करते हैं जी राइट पे। तो सेक्शन थ्री इमेज एरिया इस स्टाइल में हमने जाना, तो ये है जी सेक्शन टू, ये है जी सेक्शन थ्री। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ नीचे इमेज एरिया इमेज। तो इसको क्या करना चाहिए, इसको करना चाहिए कि इसको करना चाहिए, इसको लेफ्ट से, लेफ्ट से नहीं यार, सॉरी सेक्शन टू था वो, हाँ सॉरी 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 माय मिस्टेक, सेक्शन टू ये रहा और इमेज एरिया ये रहा। इसको कर देना माइनस 100 पे और ऑन स्क्रॉलिंग जीसेफ डॉट टू और ऑन स्क्रॉलिंग आई वांट दिस कॉमा ब्रैकेट्स एक्स माइनस सॉरी 100% ड्यूरेशन 1 सेकेंड। स्क्रॉलिंग बेस के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा और ये स्क्रॉलिंग बेस कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है और आया क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं क्योंकि इधर कॉपी करके यहाँ पर भी रिप्लेस करना है ना। वेयर इज इट माइनस, आ जाओ भाई 0%। ब्रो वेयर आर यू, आई गेस मैंने सही कुछ कुछ गलत तो नहीं काम कर बैठा। सेक्शन टू इमेज एरिया, सेक्शन टू इमेज एरिया इधर भी वही है, काया सारी चीज़ें सेम हैं। इसको अगर वो माइनस किया है तो इसको 100% पे आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं यहाँ पे ना मार्कर्स को ट्रू कर दें और ट्रू, ये है जी मार्कर्स ट्रू। और ये जो स्क्रोलर एंड वाली प्रॉपर्टी है इसको मैं टॉप से 20 कर रहा हूँ, यहाँ 10 50 माइनस 100 तो 200 अगर कर दूँ 10 आ जाएंगे, प्लस में कर दूँ 10 आ जाएंगे 100%। क्यों नहीं आ रहा यार, क्यों नहीं आ रहा, ये एनिमेट हो भी रहा है कि नहीं। तुम एनिमेट हो रहे हो कि नहीं हो रहे, माइनस 50 अगर करते हैं, हाँ वो तो एनिमेट हो रहा है। अगर मैं प्लस 50 कर दूँ इस तरह होगा, अगर मैं इसको माइनस 50
और इसको -50। अच्छा जी, तो ये तो भाई बड़ा काम खराब हो रहा है, काम खराब हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, अगर +50 कर भी देते हैं तो इस तरह। ओके, इसको करते हैं जी भैया जी 0 पे, ये जी इस तरह आ जाएगी। अगर मैं इसको करता हूँ -10 पे, -20 पे, -50 पे, 30, 120। तो यहां पर ना ये चीज इस तरह आ जाएगी, जो कि कूल है। वेरी नाइस। हाँ, अब सही है। और इस चीज को जो है जी हम एनिमेट करेंगे, एनिमेट इसको क्या करेंगे, इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरी की पूरी डिव है ना, इसको एक ही बार में फटाफट से एनिमेट कर लेंगे, या अकेला अकेला एनिमेट कर लें या एक साथ कर लें, एक ही साथ कर लेंगे। तो यहाँ पर सेक्शन टू कंटेंट एरिया, सेक्शन टू कंटेंट एरिया, कंटेंट एरिया ये रहा, -20, 30, 40 और क्लिक कॉपी एंड पेस्ट एंड दिस थिंग कॉपीड यहाँ पर और यहाँ पर रिप्लेस कर दो और इसको कर दो 0, सॉरी लेफ्ट हैंड आया नहीं। अरे यार क्या हो गया है, इस तरह किया। उसके बाद ना इसको कर देना -20। इसको कर देना है जी +20। हंड्रेड और इसको कर देते हैं हम -50। -180%। सही है, ये चीज इस तरह आ जाएगी। हाँ सही लग रही है, बेहतरीन है। ये मुझे ना इसके अंदर मजा नहीं आ रहा, मेरा दिल कर रहा है कि इसको अलहदा अलहदा एनिमेट किया जाए, जो कि काफ़ी मज़े की चीज़ क्रिएट और शो करेगा भी। तो इसको करते हैं 10% भी। और अब मैं क्या करता हूँ, अब जी जनाब जी आज यहाँ पर सबसे पहला है जी ये H2 कंटेंट एरिया के अंदर, ये है जी H2
कॉपी किया, इस कैपेसिटी को मैं कर रहा हूँ जी 0%। स्क्रिप्ट नेम में आए जीसेप डॉट टू, और मैं एक काम करता हूँ इस चीज़ को कॉपी करके यहाँ पर किया पेस्ट, स्टाइल में गए, इसको किया कॉपी, और अब सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम है क्योंकि हमने मेन थिंग तो बना ली। और इसको मूव ना करा के ना सिंपल लिख देना है ओपेसिटी इक्वल्स टू 1 एंड सी द डिफरेंस। आफ्टर दैट H1 एंटर, एक डिव डॉट क्या नाम रखूं, डिव का नाम रखते हैं जी सेक्शन 2 हेडिंग टेक्स्ट एंड पेस्ट हियर। और जब ये पेस्ट हो जाए देन आपको ये कॉपी कर लेनी क्लास H1 के जस्ट ऊपर, विड्थ दे देनी है 100%, हाइट दे देनी है ये 50 पिक्सल, बैकग्राउंड दे देना है जी कलर रेड, और ओवरफ्लो दे देना है जी हिडन। और उसके बाद अभी हिडन ना दो, H1 को मार्जिन टॉप वगैरह ख़त्म कर दो, सेट है। और यहाँ पर ओपेसिटी और ओपेसिटी कह रहा हूँ पोजिशन एब्सोल्यूट टॉप से 50%, ठीक है, और 40, 30 या 20, हाँ। और ये ओवरफ्लो इसका हिडन पोजीशन एब्सोल्यूट, ओके। अगर मैं डिस्प्ले इसका नन कर दूं, सॉरी डिस्प्ले नन, तो ये चीज इस तरह जी। तो एक काम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, इसको कहना है जी इसके अंदर जो भी चीज़ है डिस्प्ले फ्लेक्स होनी चाहिए और अलाइन सेंटर होनी चाहिए, बेस लाइन इज सेंटर। और उसके बाद ये जो पी एन एथ चाइल्ड 3 है इसको 50 कर दो, 100 कर दो या 80 पिक्सल्स, बहुत है 80, नहीं 60, 70, 70 बेहतरीन। अब जी जनाब जी इसको 100, ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया H2 के लिए ना, कॉपी करना है, सिर्फ पेस्ट करना है, और सेक्शन 2 कंटेंट एरिया के अंदर है जी ये, सेक्शन 2 कंटेंट एरिया के अंदर है जी ये, और बैकग्राउंड का कर देना है जी ट्रांसपेरेंट, और इस सारे को कॉपी करके इधर इधर जस्ट रिप्लेस, और रिप्लेस करते साथ ओपेसिटी वगैरह कुछ भी नहीं है। अब बारी है जो वाई से इसको माइनस ऊपर खिसकाना, तो वो जो खिसक जाएगा तो मज़ेदार काम हो जाएगा। वेरी नाइस, आई होप आपको अच्छा भी लग रहा होगा, अब सही लग रहा है। और अब जी मेन काम है जी इस चीज़ को ना करके इस चीज़ को कॉपी करो, नीचे आओ, ठीक है, और इसको कॉपी करो इधर इधर, रिप्लेस सेट है। अरे मार्कर्स को तो ख़त्म कर दो भाई, मार्कर्स भाई तुम तो जाओ, जान छोड़ो हमारी, हाँ ओपेसिटी इसकी बाय डिफॉल्ट 0% कर दो। क्या हुआ है, क्या मैंने सही किया भी है कुछ? हाँ किया तो है,
लेकिन ये हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ भाई? बैकग्राउंड अगर ये देता हूँ या रेड देता हूँ, ठीक है, ओपेसिटी इसकी 0% कर रहा हूँ, 0 कर रहा हूँ, ये हो क्यों नहीं रहा यार? अगर इसकी ओपेसिटी कर दूँ देन होगा। हाँ ये तो हो रहा है बट ये नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा भाई? 1 2, ये तीसरा चाइल्ड, ये चौथा चाइल्ड और ये पांचवा चाइल्ड। दिस इज रॉन्ग ब्रो, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। ये चीज क्यों नहीं हो रही? हाँ डिस्प्ले नन, ओके, अगर मैं पी को एक स्पेसिफिक क्लास दे दूं जिसको कहता हूं ये थर्ड चाइल्ड है, ये ठीक है, थर्ड चाइल्ड, और अब शायद ये काम कर पाए। अब शायद ये काम करे, और ओपेसिटी 0% होनी तो चाहिए। नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। ओके ब्रो, ओके, तो ये क्यों नहीं हो रही? यस, कुछ ना कुछ तो इशू आ रहा है। अगर इसको एनिमेट किया जाए, इधर इधर 4 कर दें, देन ये चीज तो आ रही है, बट वो जो ऊपर है ना, नहीं, आई गेस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। आप कॉपी करो, पेस्ट करो एंड रिप्लेस करो इसके साथ भी, इसके साथ भी, और या वेरी नाइस बैकग्राउंड की नीड बिल्कुल नहीं, तो ये लो। और जो ये बटन है एंकर टैग है, इसको क्या करना है? इसको 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 मार्जिन टॉप दिया ना मैंने, तो ना दो पोजीशन एब्सोल्यूट दो, टॉप से 80% नीचे कर दो, या 50 60, हाँ इतना कर दो 70, ओपेसिटी 0%, और जस्ट रिप्लेस दी फ्यू थिंग्स लाइक ये चीज यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ तक, और ये करते साथ ओपेसिटी आ गई 1 आ गई, और वॉइस इसको कितना किया था मैंने, 70% है, यस डबल कोट्स के अंदर 70%। तो आई होप जो चीज़ हम बनाना चाह रहे थे वो हमारी बने में, 70 नहीं था, 50 था, 20 माइनस 50 था, एटी था, 100, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे लीनियर लगा दूँ
ओके नाइस। मार्कर्स ज़रूरत नहीं, इधर भी नहीं इधर भी नहीं, और बस सेट। अब देखो जी भाइयों, ये चीज़ आ गई, इस तरह आ गई, और अब हमने करना है हाँ ये वाला काम, तो बना लेते हैं। तो यहाँ पे किया फंक्शन सेक्शन टू एनिमेशन, और ये रिप्लेस किया, आई गेस वो पेस्ट किया, और इसको यहाँ पे किया पेस्ट। तो जी इतनी वेबसाइट हमने एनिमेट कर ली। अगर कोई पहला बंदा इधर आएगा तो इस तरह आएगा, और यहाँ पे ये चीज़ इस तरह इधर, और अब ये जो पोर्शन है ना, ये आपको मैं एक एज एन असाइनमेंट दे रहा हूँ, और आई होप आप लोग ये करोगे भी कि इस चीज़ को भी एनिमेट अपने तरीके से कर पाओ, ताकि आपका जीएसएप पे हाथ सेट हो सके। तो मैं कोड इस वीडियो का तो प्रोवाइड कर दूंगा, और रिस्पॉन्सिव वाला वो जो है अगली वीडियो के बाद रिस्पॉन्सिव वाला अपडेट कर दूंगा, ताकि कोई मसले मसाइल ना हो। और अगर आपने ये एनिमेट ना कर पाए तो कोई मसला नहीं है, अगली वीडियो के अंदर ये पहले से एनिमेट हुआ होगा। वो क्यों? क्योंकि आपके लिए इतनी छोटी सी एक असाइनमेंट तो बनती है ना बॉस, क्योंकि ये आपके सामने अभी मैंने जो बेसिक एनिमेट इस चीज़ को किया, एक एक चीज़ को इस तरह, तो ये आप भी कर सकते हो, और अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, तो ये करो, बेहतरीन काम रहेगा। और इससे ये होगा कि आपका जैसे पे हाथ एकदम परफेक्ट हो जाएगा, आपको चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी। तो ये चीज़ आप के लिए होमवर्क है, और एक ये चीज़ आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? और फिकर नॉट, अगर नहीं हो पाएगा कमेंट कर लेना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर। तो मिलते हैं जी भाइयों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और ये एनिमेट मैंने किया होगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो डोंट वरी अबाउट दिस कि मैंने किस तरह एनिमेट किया, क्योंकि आधी वेबसाइट जो थी यहाँ तक एनिमेट करने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको चीज़ें क्लियर हो सकें कि मैं इस चीज़ को एनिमेट किस तरह और कैसे कर रहा हूँ। अब इधर क्या होगा, इधर ये अब आपके लिए सरप्राइज़ है या मेरे लिए सरप्राइज़ है कि मैं इसको किस तरह बना लेता हूँ और आप लोग किस तरह बनाते हो। तो अगर आप बना लेते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे यस का रिप्लाई करके और ज़रा तीन चार दिल मारना, ताकि अच्छा लगता है यार, ठीक है? और अब इतना सा इस वीडियो के अंदर जितना कोड मिल गया, यानी कि अभी हम मैंने लिखा, ये तो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब जो लिखने वाला कोड होगा ना थोड़ा सा, वो है जी इस सेक्शन के लिए और इस सेक्शन के लिए, तो आई होप आप इसके लिए एनिमेट कर पाओगे, और अगर आपने किया तो बहुत कूल और वेरी नाइस, ठीक है जी? तो इतना ही था अभी भी इस वीडियो के अंदर। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को यार लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को फटाफट से, और अगर कोई मसले मसाइल अगर आते हैं तो कमेंट में यार पूछा करो। तो इसमें घबराने वाली कोई बात है नहीं कि यहाँ आपको शर्म वगैरह आ रही हो, तो शर्माना बंद कर दो, काम सीखो, और अपने लिए घर वालों के लिए एक आमदनी का बाइस बनो। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग कामयाब हो और मैं भी कामयाब हूँ, और मिल के कामयाब हो। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इजाज़त, गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।